जिस पर चीन को गुमान है, जो चीन की शान है। आखिर क्यों चीन की बुलेट ट्रेन का दुनिया में इतना बखान है? बुलेट ट्रेन की भारत में बस अभी अभी दस्तक हुई है और कई सारे सवाल गूंज रहे हैं कि भला बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है? क्या बुलेट ट्रेन सिर्फ रफ्तार के लिए है? क्या बुलेट ट्रेन सिर्फ शोकेस में सजाने के लिए है? क्या बुलेट ट्रेन आम लोगों की सवारी है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया रवाना हुए चीन में बुलेट ट्रेन के सफर पर। दुनिया में बुलेट ट्रेन के सबसे बड़े नेटवर्क वाले चीन के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हांगजू से शुरू हुए बुलेट ट्रेन के इस सफर का हम सफर बनके आप भी समझ जाएंगे कि क्यों भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बेताब है मोदी सरकार। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हांगजू रेलवे स्टेशन पर। ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। आप देख सकते हैं ये भारत के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कहीं कम नहीं है, बल्कि साइज में उससे लगभग दो गुना है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम आपको दिखाते हैं कि बुलेट ट्रेन आखिरकार होती कैसे है। मेरे कैमरामैन सुरेंद्र रावत कैमरे को थोड़ा घुमाएंगे और मेरी तरफ लेकर आएंगे ताकि हम बता सके कि हांगजू रेलवे स्टेशन पर जो बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है कितनी सारी खड़ी हुई है। और इसे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और लगभग 30 ट्रैक से हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन और जो सामान्य ट्रेन है वो यहाँ पर चलती है। हम आपको हांगजू से शंघाई ले चलेंगे। लगभग 200 किलोमीटर का ये सफर हम एक घंटे से कम समय में तय करेंगे और ये जो ट्रेन है ये 200 से लेकर 300 तक की रफ्तार पकड़ती है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट्स हैं बुलेट ट्रेन के। एक बुलेट ट्रेन चाइना में ऐसी है जो काफी कम चलती है, उसके ट्रैक्स काफी कम है, लेकिन वो भी लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। आप सोच सकते हैं कि ये ट्रेन नहीं है, ये जमीन पर दौड़ रहा हवाई जहाज है। और सुख सुविधाएं ठीक हवाई जहाज जैसी, वैसी एयर होस्टेस आपको मिलेगी, वैसा ही खाना पीना आपको मिलेगा, उससे भी खूबसूरत, किसी प्लेन से भी खूबसूरत टॉयलेट आपको मिलेंगे। इंजन देखकर आपका दिल करेगा कि वाकई किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई गंदगी नहीं, हर मिनट वहां सफाई होती रहती है। ऐसी है यहाँ की बुलेट ट्रेन। तो आइए आपको लिए चलते हैं खूबसूरत और रोमांचक सफर पर इसी बुलेट ट्रेन के साथ। हांगजू टू शंघाई पहुंचेंगे हम एक घंटे में, दूरी है लगभग 200 किलोमीटर। तो ये टिकट मुझे बुलेट ट्रेन में चढ़ने का मिल चुका है। मैं इस वक्त हांगजू रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर मौजूद हूँ और कई किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है ये स्टेशन। इसकी भव्यता को देखकर एहसास होता है कि ये भारत के किसी भी एयरपोर्ट को जो नए बने हैं, जो हाल में बने हैं, जिनकी हम बड़ी तारीफ करते हैं, उनसे कई गुना बेहतर है। अंदर मैं दिखाऊंगा यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में। पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो भी आदमी आता है उसको सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। एक मशीन होती है, चाहे आप टिकट लेने के लिए आए या प्लेटफॉर्म के लिए अंदर जाने के लिए आए, टिकट लेने के लिए आपको एक बार गुजरना पड़ता है सिक्योरिटी से, और प्लेटफॉर्म और ट्रेन में चढ़ने से पहले दूसरी बार आपको गुजरना पड़ता है सिक्योरिटी से। तो हम आपको बता रहे हैं कि कितना भव्य है हांगजू का रेलवे स्टेशन जहां से बुलेट ट्रेन चल रही है। बुलेट ट्रेन का सफर करेंगे हम हांगजू से लेकर शंघाई तक। इस दौरान बुलेट ट्रेन 180 एवरेज, लगभग 200 के एवरेज स्पीड से चलेगी और 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पीक पर जाएगी जब उसे सबसे तेज दौड़ना है। दिखाने की कोशिश करेंगे वो स्पीडोमीटर बुलेट ट्रेन के अंदर किस तरह से दिखता है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। लेकिन CHR चाइना हाई स्पीड रेलवे ये कंपनी है और ये कंपनी अब कई इलाकों में मुनाफे में आ गई है। भारत में बार बार ये सवाल उठता है कि क्या अगर हम हाई स्पीड या बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे तो वो मुनाफे में चलेगी, क्योंकि उसके किराए बहुत महंगे होंगे। लेकिन चाइना ने इसे संभव कर दिया है। हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि रोज कितने चाइनीज इस बुलेट ट्रेन में सफर करते हैं और कैसे इन्होंने एयरलाइन कंपनी की सिट्टी फुट्टी गुम कर दी है। हमारे साथ अमित देशमुख भी होंगे जो इस सफर में हमारे साथी होंगे। चलते हैं, आइए। तो हांगजू का स्टेशन कई किलोमीटर के अंदर बना हुआ है। इसकी भव्यता हमने आपको बाहर से दिखाई थी, अब आपको अंदर से दिखा रहे हैं। हांगजू से शंघाई तक बुलेट ट्रेन के सफर में मेरे हम सफर रहेंगे अमित देशमुख, जो हमारे साथ हैं, चाइना में रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। अमित, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि बुलेट ट्रेन का आइडिया, हाई स्पीड ट्रेन का आइडिया चाइना में आया कैसे? जैसा कि हम हिस्ट्री देखें तो 90 के दशक में पूरी कवायद शुरू हो गई थी रिसर्च को लेकर कि हमें चाइना में ये चीज लाना है।
क्योंकि 1937 में जापानियों के साथ जो चाइना का उतार चढ़ाव था उसको देखते हुए चाइना हर दौर में जापान से आगे बढ़ना चाहता था कि हम जापान को कैसे पिछाड़े। जापान हाई स्पीड ट्रेन पहले ही चला चुका था, जापान 1964 के आसपास वो हाई स्पीड चला चुका था, लेकिन 64 के आसपास चाइना के हालात बहुत खराब थे। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो तकरीबन 1990 से रिसर्च शुरू हुआ और 2007 के बाद 200 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड की ट्रेनें चलाई गई। जो सबसे जो तेज रफ्तार है यहाँ पे शंघाई से बीजिंग का, जो 350 किलोमीटर के आसपास है, और साथ ही साथ उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिछले 7 सालों में तकरीबन 19,000 किलोमीटर से ज्यादा, और चाइना के 33 राज्यों में से 28 राज्यों में बुलेट ट्रेन की पहुंच है। और साथ ही साथ आने वाले 4-5 सालों की बात करें तो तकरीबन 19,000 का और इनका लक्ष्य है, जो इनका 5-year प्लान है। तो तकरीबन आने वाले कुछ सालों में चाइना विश्व का सबसे बड़ा रेलवे हाई स्पीड, जिसे बुलेट ट्रेन इंडिया में भी कहा जाता है, उसका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यह हम हिंदुस्तान में हमेशा देखते हैं, पटरी से ट्रेन उतरी, 100 लोग मरे, 2 ट्रेनें आपस में टकराई, 1,000 लोग मरे, ये दर्दनाक घटनाएं हमको हमेशा सुनने को मिलती है। बिना फाटक रेलवे का, बिना फाटक वाले रेल लाइन क्रॉस करते हुए लोग मारे गए, बेहद दुखद है। लेकिन चाइना ने इससे अपने आप को कैसे बचा के रखा है? कितने परसेंटेज रेल एक्सीडेंट्स होते हैं? नहीं, अगर हम चाइना में सेफ्टी की बात करें तो 10 सालों पहले यहाँ भी अमूमन घटनाएं हो जाया करती थी, लेकिन लंबे रिसर्च के बाद यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं, आप जब स्टेशन में इन करते हैं, जब जैसे ही आप घुसते हैं, आपके तमाम सुरक्षा के इंतजाम, एक तो आप प्लेटफॉर्म पे जा नहीं सकते हैं जो यात्री हैं, आपको प्लेटफॉर्म के बाहर रखा जाता है, साथ ही साथ कैमरा से सब पे निगरानी रखी जाती है, और जो आप देख रहे हैं कि ट्रैक सफाई, जो रेलवे ट्रैक पे सफाई होती है वो काफी अच्छा रहता है। जो अनऑथराइज वेंडर होते हैं वो चाइना के किसी भी जगह पे नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ जो रेलवे टीटी हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो पूरे एक कोच की हिफाजत करें, सफाई से लेकर जितने भी सेफ्टी के और नॉर्म्स हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ इनका जो सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है वो 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखता है। इंडिया में दिल्ली जैसे देश की राजधानी है, वहां पे बड़े हादसे हो जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे आपको खराब मिलते हैं, यहां पे एक छोटे शहर में सीसीटीवी कैमरे के हालात काफी अच्छे हैं। ट्रैफिक से लेके, हर तरह के ट्रैफिक से लेकर, रेलवे ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, हर ट्रैफिक से लेके सारे इंतजाम सेंट्रल कंट्रोल यूनिट करता है, और सड़कों पे आपको पुलिस कम दिखेंगे, बजाय वो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उससे ये पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो उस पर एक्शन काफी फास्ट लेते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। यानी रेल दुर्घटनाएं कम हो चुकी हैं? हाँ, रेल दुर्घटनाएं काफी कम हो चुकी हैं चाइना में। तकरीबन 2 साल का समय मुझे हो गया और मुझे एक भी दुर्घटना यहाँ सुनने को अभी हाल फिलहाल में नहीं मिला है। चलिए, अमित के साथ हम इस सफर पे चलेंगे, लगातार बातचीत जारी रहेगी, आगे हम आपको दिखाएंगे बुलेट ट्रेन आखिरकार दिखती कैसी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एशिया के सबसे बड़े और सबसे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होंगजू में। होंगजू से आप ये विहंगम दृश्य देख सकते हैं। ये नीचे का दृश्य है, वेटिंग एरिया है, जहाँ पर लोग अपने अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। चीन की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है और करोड़ों लोग ट्रेन से यहाँ पर रोजाना सफर करते हैं, ठीक भारत की माफिक। लेकिन ना कोई भीड़ भड़क्का, ना कोई हल्ला गुल्ला, ना कोई धक्का मुक्की, ना सिक्योरिटी की कोई दिक्कत, ना ट्रेन में किसी तरह की समस्या, ना स्टेशन पर बदबू, कुछ भी नहीं। सब कुछ बेहद साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। सब लोग बारी बारी से वेटिंग एरिया में अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो आपको पीले नीले बल्ब दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल बोर्डिंग गेट है, यहां से आप प्लेटफॉर्म तक जाएंगे। जो व्यक्ति सफर नहीं कर रहा है उसे प्लेटफॉर्म तक जाने का या स्टेशन के अंदर भी घुसने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको किसी को सी ऑफ करना है तो आप बाहर से उनको छोड़ के चले आइए। क्या ये काया पलट 10 दिन के अंदर हो गई, 20 दिन के अंदर हो गई, 10 साल के अंदर हो गई? बहुत ज्यादा लंबा वक्त इस काया पलट में नहीं लगा है। इस जगह को एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जगह है यहाँ पर टोटल 30 ट्रैक्स काम करते हैं, 30 ट्रैक है यहाँ पर, और इन्हीं 30 ट्रैक के माध्यम से यहाँ से सेमी स्पीड ट्रेन चलती है, हाई स्पीड ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी और मेरे हमसफर अमित देशमुख। अमित, मुझे ये बताइए कब से बना ये स्टेशन? देखिए, जैसे झांजो का ईस्ट रेलवे स्टेशन है, जजांग की राजधानी, 1992 में ये छोटा स्टेशन बनाया गया था और 2010 में ये बनके पूरी तरह से तैयार हुआ, 2013 में इसको ओपन किया गया। जो ये अत्याधुनिक चीजें दिख रही हैं, 2013 में इनको ओपन किया गया और फिलहाल यहाँ पे 28 से ज्यादा ट्रेनें आती जाती हैं। जो हाई स्पीड ट्रेन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आंकड़ों पे गौर करें तो 2015 में
तकरीबन 1 अरब 15 करोड़ लोग हाई स्पीड ट्रेन से अब तक सफर यहाँ कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आधुनिक सुविधाएं हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं और सारी चीजें यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं। बेसिकली अगर ट्रेन में गंदगी है तो आप किसको रिपोर्ट करेंगे? अगर क्या अपनी आप शिकायत किसी को करेंगे तो वो सुनी जाएगी? दो सवाल है। एक, आप हिंदुस्तान में शिकायत ही होती रहती है, सुनते नहीं है। अभी कोई फीडबैक सिस्टम बना है? वो सिस्टम यहाँ नहीं, यहाँ पे साफ सिस्टम है कि ट्रेन के जो मेन होते हैं, कोच कंडक्टर होते हैं, उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है सारी चीजों की। अगर कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी अगर पाया जाता है कि वो सफाई और तमाम चीजों की देखरेख नहीं करता है, यहाँ तक कि आप लंबी रूट की ट्रेन में जाएं तो टीटी आपसे टिकट लेके आपको कहाँ उतरना है इसकी जानकारी भी देते रहता है। फास्ट ट्रेन में भी कुछ इलाकों में और स्लो ट्रेन में तो है ही, तो खास तौर पे आप जो सफाई की व्यवस्था है आप खुद देख सकते हैं। चलिए सुरेंद्र के साथ हम आपको आगे लिए चलते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि कितना विहंगम दृश्य है ये, किस तरीके से आपको दिख रहा है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड एशिया का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन है। आप हिंदुस्तान के किसी रेलवे स्टेशन और उसके प्लेटफॉर्म की कल्पना करिए, गंदगी, भुखमरी, बेचारी, लाचारगी, भूखे लोग, भीख मांगते लोग, अपनी अपनी छोटी छोटी दुकान लगाते लोग, लेकिन इस तरह की कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। अमित जी बताओ कि सभी जगह एस्केलेटर हैं पूरे रेलवे स्टेशन? हाँ, चाइना के चाहे छोटे शहर हो, चाहे बड़े शहर हो, चाहे कैसा भी शहर हो, आपको एस्केलेटर की सुविधा सभी जगह मिलेगी। क्योंकि रफ्तार, चाइना का जो रेलवे सिस्टम है, चाइना रेलवे हाईवे, इसका साफ लॉजिक है कि रफ्तार होनी चाहिए, लोगों को सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हर कीमत पे मौजूद होनी चाहिए। हम लेट हो रहे हैं, अब बुलेट ट्रेन पकड़ना है, लेट होते जा रहे हैं, इसलिए आइए सुरेंद्र जल्दी से चलते हैं, एस्केलेटर से जल्दी से उतरते हैं और जल्दी से चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो मैं और अमित इस वक्त बुलेट ट्रेन के भीतर है, सुहाना सफर है और राजेश खन्ना होते तो गाना गाते सुहाना सफर और ये मौसम हसी। लेकिन भोंगजू से जब हम शंघाई की तरफ निकले हैं तब हमने ये महसूस कर लिया है कि कितना सुहाना हमारा सफर रहने वाला है। अमित, कितना सुहाना होगा सफर? आप खुद देख सकते हैं, एक तरफ तो बाहर मौसम भी सुहाना है और अंदर आप देख सकते हैं किस तरह की सुविधा है। अगर हम एक मिनट के भी लेट होते तो शायद हमारी ये ट्रेन छूट जाती। समय की जो पाबंदी है, समय, सफाई, एक्यूरेसी की बात हो, सेफ्टी की बात हो और साथ ही साथ द बुलेट ट्रेन साथ में हो आपको, तो सफर और भी सुहाना हो जाता है। रफ्तार आपके हाथ में है, टाइम आपके हाथ में है और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं बुलेट ट्रेन, ये कॉन्सेप्ट और ये आइडिया कैसे आया? 1990 के आसपास चाइना के में जो समय के नीति निर्धारक थे उन्होंने इसकी प्लानिंग जापान को देखकर शुरू रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। तकरीबन इनको 10 साल का समय लग गया कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। पहले इनके यहाँ सिंगल ट्रैक, इंडिया की तरह ही सिंगल ट्रैक और डबल ट्रैक हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 स्पेशल ट्रैक है हाई स्पीड ट्रेन के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें लोकल ट्रेन और डी ट्रेन के लिए, एस ट्रेन के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 3 से 4 लाइनें बनाई गई है। तो फिलहाल पूरे चाइना में जो जाल बिछा हुआ है बुलेट ट्रेन का 19,000 किलोमीटर के आसपास, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और 19,000 के तकरीबन और काम चल रहा है। 90 के बाद जब प्रीमियर लिका छांग से पहले जो प्रीमियर चाइना के हुआ करते थे, उन्होंने फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में इसकी बुनियाद रखी कि चाइना में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। और साथ आते आते अप्रैल 2007 की बात है कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और 7 के बाद से अब तक 2016 का ये वक्त है, तकरीबन बुलेट ट्रेन नई ऊंचाइयों को छू चुका है। सुरक्षा के इंतजाम हो, सेफ्टी के इंतजाम हो, सफाई के इंतजाम हो, चाहे यानी किसी भी तरह के इंतजाम हो, वो सब कुछ आप खुद देख रहे हैं और खुद खुद आपके सामने है। अमित, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब तक कैमरामैन पूरा कूपा हमको दिखाएं, हम बैठे हुए हैं इस वक्त एक फर्स्ट क्लास के डब्बे में और फिलहाल जो स्पीड भी वो दिखाएं, स्पीड 165 किलोमीटर से बढ़ना अब शुरू हुई है, जो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास जाती है। 176 हो गई अब, और 176 से 177 भी हो गई, 180 हो गई, तो ये रफ्तार लगातार बढ़ती जाएगी। मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन के बारे में। हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन, टेक्निकली इसी को हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे के से ज्यादा तेज दौड़ने वाली ट्रेन को हाई स्पीड कहा जाता है। देखिए 200 क्रॉस कर लिया है इसने, 200 क्रॉस कर लिया है, एक मिनट में 200 के करीब इसने क्रॉस कर लिया है। और दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन जो है 1964 में टोक्यो से ओसाका शहर के बीच चली थी, और यही आपने बताया कि जापानियों से इनकी क्या कुछ
अदावत थी। देखिए 1937 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो नानजिंग इनका पुराना कैपिटल है चाइना का, वहां पे जापानियों ने तकरीबन 2.5 लाख के करीब लोगों को अलग अलग तरीकों से और खासतौर पे महिलाओं के साथ उन्होंने बदसलूकी की थी, उनकी हत्याएं कर दी थी। सो नानजिंग के बाद आज भी अगर आप चाइनीज खासतौर पे लोगों से बात करें तो वो जापानियों के बारे में उनकी जो संवेदना है वो अलग तरीके की होती है, बट वो उनसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते थे और उन्होंने करके दिखाया जापान से आगे बढ़े और इतना ट्रैक बिछा लिया है। 19,000 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक है। मेरे ख्याल से सुरेंद्र पीछे जाने वाले हमारे यात्री को थोड़ा जगह देंगे निकलने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच शिष्या। अब हम बात करते हैं कि दुनिया के किन किन इलाकों में इस समय दुनिया के कुल 22 देशों में हाई स्पीड ट्रेन दौड़ रही है जिनकी पटरियों की कुल लंबाई 37,200 किलोमीटर है। चीन में अकेले ही 19,000 किलोमीटर है चीन में। मेरे कैमरे में लगातार दिखाएंगे दृश्य ताकि मैं आपको फैक्ट्स पढ़ के बता सकूं यहां पर, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो दिखाएंगे बाहर के दृश्य और ट्रेन की स्पीड अब हो गई है 278। जल्दी से स्पीड दिखाइए। अब जा रही है 281 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कैमरामैन दिखाते रहेंगे स्पीड, कितनी स्पीड पे ट्रेन चल रही है। इस समय दुनिया के कुल 22 देशों में हाई स्पीड ट्रेन दौड़ रही है जिनकी पटरियों की कुल लंबाई 37,200 किलोमीटर है। चीन में अकेले 19,000 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन लाइन है, मतलब बाकी दुनिया की कुल हाई स्पीड ट्रेन लाइन से चीन अकेले ज्यादा हाई स्पीड पटरी रखता है। और अमित, हमने ये भी सुना कि चीन बहुत जल्दी दुनिया का सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन रखने वाला देश बन जाएगा, पटरियां रखने वाला देश बन जाएगा, क्योंकि वो लगभग 18,900 किलोमीटर के आसपास की पटरियां बना रहा है प्रोसेस में। जी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो नया चाइना है, जो नए चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली केचांग, जिनकी उनकी इकोनॉमिक्स चाइना में चलती है और उनका साफ निर्देश है कि चाइना में अभी 33 जो बड़े राज्य हैं उनमें से 28 राज्यों में बुलेट ट्रेन जाती है, लोगों के पास ये सुविधाएं हैं। लेकिन उनका ये है कि आने वाले 5 सालों के अंदर, आने वाले जो 5 ईयर्स प्लान है इनके, उसके अंदर ये जो 18,300, क्योंकि चाइना अब रफ्तार पकड़ चुका है, आप चाइना में कई जगह घूमे आपने देखा होगा कि पूरा विकास का जो आंकड़ा दौड़ रहा है वह 7-8 सालों में घूम रहा है। WTO के बाद की कहानी है, लेकिन वो कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसा कि आंकड़ों में बताया जाता है कि अमेरिका ने 100 सालों में जितना सीमेंट का इस्तेमाल किया, चाइना ने पिछले 15 सालों में उतने का कर दिया हुआ है। और अर्थव्यवस्था को जहां तक देखा जाता है कि आप सीमेंट का कितना आप देख सकते हैं, बाहर बिल्डिंगों में लोग नहीं है लेकिन बड़ी बिल्डिंगें तैयार हैं। मेट्रो कुछ आर्थिक विशेषज्ञ चाइना के भी मानते हैं कि बुलेट ट्रेन चाइना के लिए सही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये लेकिन फायदे में आप देख सकते हैं फायदे में है और इसको वो इम्प्रूव कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो साफ तौर पे कि तकरीबन 1,15,000,000 के करीब लोग जब 2015 में सफर कर चुके थे, तो अमूमन आप सोचते हैं बड़ी आबादी है, इनका भी बड़ा मार्केट है, रेलवे को जो चाइना CRH चाइना रेलवे हाईवे उसको वाकई फायदा हो रहा है, तभी ये आप देख सकते हैं अंदर भी क्या फिनिशिंग है, सीटों की क्या स्थिति है और जिस तरीके से सर्विस है, कोई भी आपको वेंडर यहाँ पे बाहर का नहीं दिखेगा। बिल्कुल वेंडर नहीं दिखेगा और बिल्कुल यहाँ की जो ट्रेन की गार्ड्स हैं वो बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह हैं और एयर होस्टेस ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जमीन पे ये प्लेन चल रहा है। हमने दिखाई लगभग 300 किलोमीटर की रफ्तार इस ट्रेन ने पकड़ ली थी, जमीन पर ट्रेन है। मैं एक दिलचस्प तथ्य और अपने दर्शकों को बता दूं कि सबसे कम लंबाई की हाई स्पीड ट्रेन पटरी डेनमार्क में है, जहां मात्र 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। डेनमार्क में 60 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन पटरी और बिछाई जा रही है। तो इस तरीके से डेनमार्क सबसे छोटा और चीन सबसे बड़ा देश है। हाई स्पीड ट्रेन की कुल लंबाई के हिसाब से चीन के बाद स्पेन का नंबर आता है, जहां 3100 किलोमीटर की लाइन है। तीसरे नंबर पर 2664 किलोमीटर लाइन के साथ जापान है और 2037 किलोमीटर लाइन के साथ फ्रांस चौथे नंबर पर है। आपको दिलचस्प यह होगा कि अमेरिका और ब्रिटेन का नाम इसमें कहीं नहीं है। हाई स्पीड ट्रेन में अमेरिका और ब्रिटेन का नाम फिलहाल मुझे इस लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा और मैंने वहां पर हाई स्पीड ट्रेन का कोई शेल्टर नहीं दिया। चीन में हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत 18 अप्रैल 2007 को हुई थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत चीन, 2007 को हुई थी और अब चीन में दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन दौड़ रही है। 2015 के अंदर चीन की हाई स्पीड ट्रेन से 1,20,000,000,000 लोगों ने सफर किया है। 1,20,000,000। आइए मैं आपको डब्बा दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ डब्बा दिखाने की, कितना मैं आपको दिखा सकता हूँ कोशिश फिर भी करता हूँ। यहाँ से चलते हैं। ये हाई स्पीड ट्रेन है, यहां से हमने एंट्री मारी। ये आउटगेट है, आउटगेट होने के बाद यहां से आप बाहर निकलिए, बंद रहेगा, जैसे ही स्टेशन आएगा खुलेगा, बाकी पूरे टाइम इस ट्रेन को बंद रहना है। हमारे नहीं कि आप छैया करते हुए लटकते हुए ट्रेन में चल लीजिए, कोई किसी को ना रोकने वाला है ना टोकने वाला है। तो इस हाई स्पीड ट्रेन का गेट
हमारे शायद राजधानी शताब्दी का भी नहीं बंद होता, लेकिन ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं जिस तरह मेट्रो में होते हैं और ये बंद हो जाते हैं। आप जैसे ही घुसते हैं अंदर, यहां पर एक पानी के लिए लगा हुआ है, जितना पानी आप पीना चाहें आप यहां से ले सकते हैं। टोटी नहीं है यहां पर, वो मग्गा भी नहीं है और उसको जंजीर से भी नहीं बांधा गया है जो हमारी भारतीय रेलवे में हमको करना पड़ता है। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, आप ये देखिए, ठीक प्लेन की तरह का ये आधुनिक शौचालय, ठीक प्लेन की तरह का, जिस तरह से आपको प्लेन में देखने को मिलता है ठीक उसी तरीके का ये पूरा का पूरा आधुनिक शौचालय है। ट्रेन में ही आपको इतनी साफ सफाई देखने को मिलती है, यहां पर भी जंजीर से डब्बा बांधने की जरूरत नहीं है जो भारतीय ट्रेनों में होता है, खासकर भारतीय शौचालयों के अंदर। आइए आगे चलते हैं। ट्रेन की जो सीट्स हैं वो प्लेन के एग्जीक्यूटिव क्लास की तरह है, लेकिन खास बात, इसमें किसी भी तरह का सीट बेल्ट नहीं है, इसमें कोई सीट बेल्ट नहीं है, झटका नहीं लगता जब ट्रेन चलती है और जब ट्रेन आगे बढ़ती है। साफ सफाई आप देख सकते हैं नीचे, साफ सफाई, हमारे साथी यहां पर सफर कर रहे हैं। हैप्पी जर्नी, वेरी हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा है यहां पर, शुभ यात्रा है यहां पर, और सभी लोग एक सुहाने सफर पर इस वक्त चल रहे हैं। टेल मी, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट हाइट स्पीड एंड बुलेट ट्रेन? Sorry, what do you say? Your experience about this train. Okay, it's very fast. Very fast. Convenient. Very convenient. Okay. So, do you prefer speed train or do you prefer domestic flights? If I travel for short length, 500 kilometers, I prefer to high speed train. प्रेफर हाई स्पीड ट्रेन, तो यही सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, अब ट्रॉली के अंदर यहाँ पर बकायदा आपके लिए जलपान आता हुआ, ये ट्रॉली सजी हुई है, आप देख सकते हैं, ये जलपान यहाँ पर सभी यात्रियों को दिया जाएगा और कई सारी सुविधाएं इस पूरे बुलेट ट्रेन के अंदर मौजूद, पूरे के पूरे डब्बे ठीक इसी तरह से हैं। टीवी मिल जाएगा आपको, डिफरेंट तरीके के एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे और एक मार्कर दिखाता मिल जाएगा जो आपको लगातार स्पीड के बारे में बता रहा है। देखिए बगल से एक ट्रेन गुजरने वाली है, शायद से किस तरह के ट्रैक्स बने हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रैक, ये एक जगह पर हाई स्पीड ट्रेन इस वक्त रुकी हुई है और 300 किलोमीटर तक की रफ्तार ये हाई स्पीड ट्रेन पकड़ लेती है। फैक्ट्स और फिगर्स की हम बात करें तो फैक्ट्स और फिगर्स में हम अभी तक कहां तक पहुंचे हैं, हमने आपको बात की कि किन किन देशों में क्या है। अब चीन को कहां कहां जोड़ती है, चीन के 33 प्रांतों में से 28 प्रांत हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क से जुड़े हैं। चीन में दौड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेन में बीजिंग गुंगजाओ हाई स्पीड ट्रेन दुनिया ट्रेन लाइन दुनिया की सबसे बड़ी रेल लाइन है। इस लाइन की लंबाई 2230 मीटर है, 2230 मीटर की 2230 किलोमीटर की लंबाई है और इस लाइन पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रेन दौड़ती है जो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। आइए मैं अपनी सीट पर बैठता हूं, ज्यादा देर बाहर घूमना अलाउ नहीं है, तो आ गया मैं अपनी सीट पर। ये सफाई दिखाइए जरा, लगातार सफाई हो रही है ट्रेन में, सफाई दिखाइए सुरेंद्र रावत जी, सफाई दिखाइए थोड़ा। नए स्टेशन आने से पहले ये सफाई कर चुके हैं ट्रेन की, और ये ट्रेन के टीटी लेवल के ही लोग हैं जो हम अपनी भारतीय भाषा में बोले। अगर हम चीन की बाकी बात करें और मेरा कैमरामैन आपको पूरा सफर कैसे ये हाई स्पीड ट्रेन शुरू होती है दिखाएं, क्योंकि ये ट्रेन अब चलने वाली है स्टेशन से जिस स्टेशन पर हम फिलहाल रुके हुए हैं। आपने देखा एक सेकेंड के अंदर जो रफ्तार है तकरीबन 300 के आसपास है, वो ट्रेन निकल गई आपके पास। और जैसा कि हांजो के रहने वाले, इन्होंने साफ बोला कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं हाई स्पीड ट्रेन में, आप चाइना से खरीदो, हम आपकी मदद करेंगे। ये लोकल है यहाँ के और ये बड़े खुश हैं कि हम इंडियन, क्योंकि इनको मालूम है इंडिया के। देखिए कैसे ट्रेन चल रही है सुरेंद्र, दिखाइए प्लेटफॉर्म से, यहाँ से दिखाइए कैसे ट्रेन चल रही है और कैसे ये स्पीड पकड़ती है, फिर हमको दिखाएंगे कि कैसे इसने स्पीड पकड़ी। ये ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, ये धीरे धीरे गति पकड़ी, 1:20 हो रहे हैं यहाँ की घड़ी के साथ, 20 सेकेंड, और 10-20 सेकंड के बाद अमित हम देख रहे हैं कि अब ये फटाक से स्पीड पकड़ने वाली है और थोड़ी देर में ऐसा हमको लगने लगेगा। लेकिन अमित, सबसे बड़ी बात, कोई झटका नहीं, कोई धड़धड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई आवाज नहीं, ये कैसे मैनेज किया? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं तो आपको ऐसे 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 हिलते रहना पड़ेगा। जो नई टेक्नोलॉजी आई थी बुलेट ट्रेन में, तो मैग्नेटिक कंट्रोल की, 1990 में जब इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया था, 94 के आसपास की कहानी है कि इन्होंने उस तकनीक को अपने लोकल ट्रेनों में, आप अगर चाइना के लोकल ट्रेनों में भी जाएंगे तो वो झटके इंडिया जैसी आपको नहीं मिलेंगे।
मैंने चाइना में बहुत सारे तकरीबन मैंने 5 से 7 हजार किलोमीटर का सफर मैंने तय किया था, बीजिंग से लेकर संगयांग, हार्बिन, मोखा, सिनिंग, सिनजियांग, तमाम इलाकों में मैंने लोकल ट्रेन से सफर किया था कि तुलना के लिए कि क्या डिफरेंस है आखिरकार। एक तो वहाँ पे जो रेलवे में अधिकारी हैं आपको बहुत कॉपरेटिव है, मुझे भी चाइनीज उतनी अच्छी नहीं आती, साथ ही साथ वो आपको बताते हैं कि कहाँ पे उतरना है। बुलेट ट्रेन की अगर बात करें तो मैग्नेटिक कंट्रोल जो सिस्टम है, क्योंकि वेंजो में 2001 के आसपास एक दुर्घटना घटी थी, उसके बाद से इन्होंने वर्ल्ड वाइड जो तकनीकी एक्सपर्ट हैं उनको चाइना बुला के इन लोगों ने, इन्होंने सारी जो जो सुरक्षा की इंतजाम है उनको इन लोगों ने दुरुस्त किया। और आज के दौर में जो पिछले 2-3 सालों में जो नई बुलेट ट्रेन है ये चाइना में अपनी नई सेफ्टी रूल्स, नई ऊंचाइयों को छू रही है, जिसमें बैठने के बाद आपको लगता है कि आप आसमान में सफर कर रहे हैं हवा की रफ्तार से। सबसे बड़ा ट्रैक कौन सा है चीन में, और सबसे ज्यादा मैंने सुना 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ट्रेन चलती है? हाँ, जो बीजिंग और जो शंघाई और बीजिंग के आसपास ही जो अन्य दो, और जो पहला जो शुरू हुआ था सिनजियांग और ग्वांजो के बीच, उसके बाद से बीजिंग और शंघाई के बीच जो शुरू हुआ था वो सबसे 450 के आसपास से दौड़ती है। लेकिन अमूमन कई मामलों में, कई मामलों में ये देखा गया है कि जो सरकार है कई बार उनको निर्देश भी देती है कि कई बार उस इलाकों में कई तरह के और सेफ्टी रूल्स की दिक्कत आती है, लेकिन जो अमूमन जो रफ्तार होती है वहाँ पे 350 से 400 के आसपास होती है। 350 से 400 शंघाई मैग्लेव ट्रेन भी खास है जो 431 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और मैग्नेटिक लेविएशन सिस्टम पर चलती है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस ट्रेन को ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। जनवरी 2004 में इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। खास बात यह है कि शंघाई मेट्रो सर्विस अलग से शंघाई मालगेव ट्रेन की सर्विस है। मालगेव ट्रेन शंघाई एयरपोर्ट को पुडोंग से जोड़ती है, जहां से आप शंघाई मेट्रो को पकड़ सकते हैं। तो अधिकतम स्पीड शंघाई मालगेव ट्रेन की है जो 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। शुरुआत कहां से हुई चीन की? चीन ने शुरू में हाई स्पीड ट्रेन बॉम्बेडियर, सीमेंस जैसी विदेशी कंपनियों के साथ तकनीकी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत बनाए थे, लेकिन चीन ने बाद में अपने घर में ही हाई स्पीड ट्रेन बनाना शुरू कर दी। तो पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फिर घर में ही बनाना, कितनी तेजी से ये सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप में ट्रांसफर कर लेते हैं। आपको मैंने जैसे पहले न तकनीक के मामले में, आप किसी भी सामान के बारे में अगर चाइना में आप बात करें तो पहले उन चीजों को बारीकी से देखते हैं, चाहे किसी भी रूप में कोई भी सामान हो, चाइना में किसी भी तरीके का सामान हो, तकनीक पहले वो चाइना में मंगाते हैं, फिर उनकी वो कॉपी आपको रातों रात हो जाती है। और बड़े ही माहिर हैं, आप पकड़ नहीं सकते हैं कि आखिरकार इसमें क्या हम पकड़े कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। यहाँ तक कि ये तो बुलेट ट्रेन है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कारों के जो ब्रांड है उनके यहाँ पे आपको डुप्लीकेट मिल जाएंगे। कई बार इंडिया में सवाल उठ जाते हैं कि बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां वो चाइना इसलिए नहीं आना चाहती कि उनको कॉपी पेस्ट का डर होता है कि ये रातों रात जो पूरी तकनीक को चेंज कर देंगे। तो पहले तो इन्होंने बाहर की कंपनियों से जो पूरा आप देख रहे हैं इन्होंने बनाया, लेकिन बाद में अब चाइना का जो शंघाई रीजन है और शंघाई के साथ ग्वांजो रीजन है, ग्वांजो के साथ ग्वांगशी रीजन जो है, इन तमाम रीजन में ये अपना प्रोडक्शन, इनकी अपने सारी कारखाने हैं और वहां इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है। बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा जब तक ट्रेन में बाहर के नजारे दिखाएं, बड़े खूबसूरत नजारे आ रहे हैं। सुरेंद्र जरा दिखाइए बाहर क्या हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 1993 में जो चीन में पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर, मात्र 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और पैसेंजर ट्रेन के बदले हवाई जहाज का लोग रुक कर रहे थे क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन 300 की स्पीड, देखिए 300 की स्पीड, 301 की स्पीड क्रॉस कर चुकी है, 302 पहुंच चुका है, 303 किलोमीटर प्रति घंटा ये बुलेट ट्रेन है, 303 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और ये बुलेट ट्रेन इसे कहते हैं बुलेट ट्रेन। 19 मिनट में 303 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली है, और एक जगह रुकी भी है, ऐसा नहीं है कि एक जगह नहीं रुकी, एक स्टेशन पर रुकी भी है। अगर इसकी एवरेज स्पीड लगाई जाए तो ये 300 तक की रफ्तार पकड़ सकती है, 300 तक की रफ्तार। तो लोग, मैं कहानी सुना रहा था पुरानी आपको, लोग हवाई जहाज का रुख कर रहे थे क्योंकि ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, और ऐसे में 7,700 किलोमीटर रेल लाइन को चीन ने 1997 से 2004 के बीच 5 राउंड के स्पीड अप कैंपेन के बाद बनाया, और सबसे पहले 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उन्होंने ट्रेन शुरू की। ग्वांगझू शेंजेन रेल लाइन पहली रेल लाइन है चीन की जिस पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहली बार 1998 में दौड़ी, अप्रैल 2007 में स्पीड अप कैंपेन का छठा चरण पूरा हुआ, और चीन में
ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। और अभी अभी हम देख रहे हैं कि जिस ट्रेन के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, कैमरामैन सुरेंद्र रावत एक बार फिर से बताएंगे, स्पीड 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर है स्पीड। यानी हम इस वक्त 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। यानी सड़क पर प्लेन का मजा, सड़क पर प्लेन का मजा यहां पर आ रहा है। असर क्या पड़ा है? असर यह पड़ा है कि कई सारी डोमेस्टिक रीजनल फ्लाइट सर्विस बंद हो चुकी हैं और चीन ने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क पर 300 अरब डॉलर खर्च किया है। चीन ने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क के अब तक 300 अरब डॉलर खर्च किए हैं। अकेले 2009 में 50 अरब डॉलर खर्च किए गए। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी मुनाफा चल रहा है हाई स्पीड ट्रेन को लेकर। इसके सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि भारत में जब भी हाई स्पीड ट्रेन की बात होती है, लोग बोलते हैं कि नहीं, चल नहीं सकती, फिजिबल नहीं है, लोग इतना पे नहीं कर सकते। क्या ये बहस चाइना में भी चली? जैसा कि आपने देखा, ये लोकल है हांजो के और ये बिजनेस करते हैं। लोग जब सफर करना चाहते हैं तो आराम से, एक तो जो बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, एक सेफ्टी पे काफी ध्यान यहाँ पे दिया जाता है। दूसरी चीज है कि हवाई का जो सफर है उसमें बोलते हैं कि लागो टकोरो झड़जान, अगर छोटी सी भी टक्कर हुई तो आप बचेंगे नहीं, हालांकि संभावना यहां भी दिखी जाती है, लेकिन लोगों को बुलेट ट्रेन पे पूरा भरोसा है जिस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है। दूसरी चीज ये है कि सुविधाएं जो यहाँ पे आप अंदर में देख रहे हैं, लोगों की पहुंच के अंदर है, जो अमूमन मिडिल क्लास है उसको कर सकता है। चाइना की जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन अचानक से नहीं बढ़ती। मैं 2 सालों से हूँ, चीजों की कीमतें स्थिर हैं, अचानक से इन्फ्लेशन आगे नहीं बढ़ती, अचानक से रेल, हर साल रेल के किराए नहीं बढ़ जाते। मैं 2 साल से हूँ, किराया अमूमन तकरीबन सेम है, घटा ही है, बढ़ा नहीं है। साथ ही साथ फल सब्जियों और अन्य चीजों की बात करें तो वो समान है। हाँ, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो उसका अलग एक नजरिया है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं चाइना में वो सरकार की तरफ से इनका इन्फ्लेशन पे कंट्रोल है, तो इसका फायदा लोगों के जेब पर भी दिखता है। जहां तक सैलरी की बात है, जो नए चरंदर पीछे से आपके हमारे ट्रेन की होस्टेस है, उनको प्लीज जाने दीजिए उनको। तो आप देख सकते हैं ट्रेन में ठीक उसी तरह की होस्टेस हैं जैसी एयर होस्टेसेस होती हैं, उसी तरह की तैयारी, उसी तरह की बात, उसी तरह का कल्चर और उसी तरह की तमाम सुख सुविधाएं। मैं और बोलना चाहूंगा, ये अभी आप देख रहे हो कि इनसे खाने का ऑर्डर ले रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपके बैग की भी ख्याल रखती हैं कि कोई किसी पे गिर ना जाए और आप सही सलामत से अपने बैग को बाहर निकाल पाए। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसके बारे में इनको आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद आ जाते हैं, क्योंकि पूरी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कैमरे से की जा रही है ट्रेन के अंदर। तो कई बार हाँ, साफ लॉजिक है कि आप ट्रेन में स्मोकिंग कतई नहीं कर सकते। आप ड्रिंकिंग कर सकते हैं लेकिन आप स्मोकिंग कतई नहीं कर सकते, क्योंकि स्मोक फ्री ट्रेन है और उन्होंने लैस किया हुआ है कि स्मोकिंग करने के करते ही आपको, क्योंकि चाइना में स्मोकिंग एक कल्चर में घुसा हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको स्मोक फ्री बनाया हुआ है। और जो परिचारिकाएं जो ट्रेन की, जो खासतौर पर एयर होस्टेस ही यहाँ इनको भी, मतलब ट्रेन की, इनको खास तौर पे ट्रेनिंग शंघाई में इनका स्पेशल स्कूल है, वहां पे ये दिया जाता है कि नए तो आप फॉरेनर से कैसे ट्रीट करोगे, आप लोकल लोगों से कैसे ट्रीट करोगे, आप बिजनेस क्लास को कैसे ट्रीट करना है, आपको सेकंड क्लास के साथ कैसे ट्रीट करना है। वन नेशन वन डेवलपमेंट पॉलिसी के आधार पे इनकी भी जो ट्रेनिंग है वो एक अलग तरीके की होती है। हालांकि इस बारे में मैंने बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने इसको खुल के नहीं बताया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी खाने का ऑर्डर ये ले रही है और खाने का ऑर्डर बाहर का कोई भी वेंडर नहीं है, ये रेलवे का ही वेंडर है, चाइना रेलवे हाईवे का जो है वो वेंडर है। तकरीबन बुलेट ट्रेन में आपको 50 के आसपास आरएमबी के करीब, अगर चाइनीज इकोनॉमी माने तो इनके लिए ये रकम बहुत ही कम है। अमूमन चाइनीज औसतन अगर खाने पे खर्च करे, क्योंकि चाइना में डेली खाना बनाने का कल्चर नहीं है, अमूमन चाइनीज परिवार 200 आरएमबी के आसपास ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पे खर्च करता है। इस ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में जो देख रहे हैं, तकरीबन 40 से 50 के आसपास इनका लंच का वो आता है, जिसमें जो चाइनीज व्यंजन है आपको मिलेंगे। अगर आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए, हिंदुस्तान की तरह थाली तो नहीं मिलती ना वहाँ पे, वही जले हुए पराठे, थोड़ी थोड़ी कच्ची सब्जी नहीं, यहाँ पे एक जो एक चाइना में कल्चर है नीश रिफान लामा। नीश रिफान लामा का मतलब यह है कि चाइनीज कल्चर में आप कहीं भी जाएंगे तो पहले से आपसे सवाल पूछते हैं कि नीश रिफान लामा, नी मतलब यू, शिफान मतलब फूड, लामा मीन्स आपने क्या आपने भोजन खाया है। क्योंकि 60 के 70 के दशक में जो चाइना में भूख से लाखों लोग मर गए, जो स्वीट पोटैटो है, जो हमें हमारे यहाँ कई सारे रीजन में उसको बोलते हैं कोन, या हमारे यहाँ पर्व त्योहार शकरकंदी, उसको खाकर चाइना में बहुत सारे लोग जिंदा बचे थे, क्योंकि उस समय पहाड़ियां थी, तमाम तरह थी, लोग आ भी जा नहीं पा रहे थे। तो आज के दौर में भी चाइनीज कल्चर में आप कहीं भी जाएं तो आपको वो खाने में वैसा ही सत्कार करते हैं और अपने दोस्तों से पूछते भी हैं। तो खाना के मामले में कतई आपको, हाँ
हर सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, यहाँ थोड़े कम है क्योंकि सरकार का डंडा है। अपने यहाँ ज्यादा वो है, मुनाफाखोरी हो जाती है, तमाम चीजें होती है, तब सरकार जागती है। यहाँ पे है कि खाने के मामले में ये पूरी क्वालिटी का ख्याल रखते हैं। थोड़ा बीच के 2-3 सालों में एनवायरमेंट का असर दिखा था, लेकिन अब सरकार ग्रीन, जो चाइना न्यू गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ग्रीन, जैसा कि G20 में भी आपने देखा कि ग्रीन पे बात करें, सिर्फ कुछ ग्रीन की बात हुई, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ी 10 साल पहले, विकास का खामियाजा लोगों ने देखा, पैसा आने के बाद अब लाइफ स्टाइल पे ध्यान दे रहे हैं। पैसा जैसे ही बटुए मैं, अब लाइफ स्टाइल पे पूरा ये ध्यान दे रहा हूं। काफी लंबी बात हो गई अमित, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं। आप चाइना में रहते हैं, हिंदुस्तान में जब भी टिकट कटाओ, अगर आपने बिहार का टिकट कटाया छठ पूजा के आसपास, दिवाली के आसपास, मध्य प्रदेश का कटाया होली के आसपास, रक्षाबंधन के आसपास, आपको 100% वेट लिस्ट मिलेगा, 120, 130, फिर मंत्री जी के पास भागो, सांसद जी के पास भागो, लेटर लगाओ, उसमें भी कन्फर्म हो कि नहीं हो। मैं आपसे ये सफाई दिखाइए जरा, लगातार सफाई हो रही है ट्रेन में, सफाई दिखाइए सुरेंद्र रावत जी, सफाई दिखाइए थोड़ा। नए स्टेशन आने से पहले ये सफाई कर चुके हैं ट्रेन की, और ये ट्रेन के टीटी लेवल के ही लोग हैं, जो हम अपने भारतीय भाषा में बोले तो टीटी लेवल के ही अधिकारी हैं, और इनकी जिम्मेदारी सफाई की भी है, ट्रेन के अंदर भी, टॉयलेट की भी, वेशिंग की भी, और तमाम चीजों की। और ये सफाई करने के बाद नए जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा उनको उसको वहां पे जमा करना है। आप देखते होंगे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ सफाई के लिए ये चीजें यहाँ पे रखी गई हैं कि आपके जो गार्बेज है इसमें आप रखिए, जो छोटे मोटे हैं, जो बड़े हैं उसके लिए वो खुद आ जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या यहाँ पर वेट लिस्टेड टिकट जैसी कोई चीज नहीं है? नहीं, वेट लिस्टेड की परंपरा यहाँ पे कम है। आपको स्टैंड बाई टिकट मिलेगा, जैसे इस ट्रेन में अगर टिकट खत्म हो चुका है, अगर आप खड़े होकर सफर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा। अमूमन यहाँ पे वेटिंग टीचर जो टिकट है वो चाइना में CRA जो चाइना रेलवे कॉरपोरेशन वो नहीं देती है। हाँ, चाइना में जो सबसे बड़ा इनका जो त्यौहार होता है चाइनीज न्यू ईयर होता है, जो हर साल फरवरी, वहाँ 2 महीने की छुट्टियां, 1 महीने के आसपास छुट्टियां होती है, हर चाइनीज अपने घर लौटते हैं। हाँ, वाकई उस दौर में दिक्कत होती है यहाँ भी, लेकिन सरकार उस दौर में नई, जैसे हमारे यहाँ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है, यहाँ भी नई ट्रेनें चलाई जाती है। अगर उस समय आप चाइना को देखें तो हर कोई कहीं ना कहीं से आता जाता रहता है, सड़क पे भी, रेलवे में भी, हर जगह होते हैं। लेकिन जो वेटिंग टिकट का जो जहां तक है, अगर आप, जैसा कि हमने कल टिकट खरीदा ये, और ये टिकट ऑलमोस्ट बिक चुका था, क्योंकि अगर आप एक दिन पहले यहाँ पे टिकट खरीदते हैं, क्योंकि अभी पीक आवर्स भी है, क्योंकि हांजो में G20 समिट था, लाखों की तादाद में लोग भी आए थे, शंघाई सबसे इनका जो बिजी रूट है, हजारों लाखों लोग शंघाई जाते हैं और आते हैं, ऑफिस वाले भी, बिजनेस वाले भी, तमाम तरह के लोग, क्योंकि शंघाई को आप देखें तो वर्ल्ड टॉप 10-3 में गिना जाता है। तो इस रूट पे आपको टिकट की थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी हो जाया करती है, लेकिन अमूमन आप अगर हम फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं, सेकंड क्लास में भी आपको टिकट मिलती है। तो ये जो पूरा वेट लिस्टेड टिकट और मंत्री जी या सांसद जी से, विधायक जी से चिट्ठी लगाना, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, अगर हम खरी खोटी बात करें तो चाइना में वेटिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। आप वेट मत करो, आप घर जाओ, आराम करो, आप नेक्स्ट डे सफर करना। ये नहीं कि आप वेटिंग टिकट लेके, आप जो हमारे यहाँ जो इंडियन रेलवे सिस्टम है कि स्पेशल पावर का यूज करके आप उसको आप कन्फर्म में तब्दील करते हैं, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई लाइन को तोड़ता नहीं है, एज ए फॉरेनर हमने वहां पे टिकट ले लिया, बट चाइनीज को उनको रूल्स रेगुलेशन में बांध के रखा गया, वो लाइन नहीं लगते हैं, टिकट खरीदते हैं। या मोबाइल का जो ऐप है, आप देख सकते हैं हमने कल जो टिकट खरीदा मोबाइल ऐप के जरिए खरीदा था, और ये बहुत ही बेहतरीन सेवा है मोबाइल ऐप पे कि आप, हम जैसे इंडियन पासपोर्ट, हमारे पास तीनों के पास इंडियन पासपोर्ट है, तो हमने ये तीनों इंडियन पासपोर्ट, जैसे आपका नाम है यहाँ पे आ गया दीपक चौरसिया, सुरेंद्र सिंह रावत, और उसके बाद आपने देखा होगा डिटेल्स जो पूरा है इनकी वेबसाइट है 468 RMB, और ये पूरे एक टिकट नंबर के अंदर हमने 3 टिकट परचेज किया, और इस आपको टिकट खरीदने के बाद भी तीसरा यहाँ मेरा, हालांकि सारा कुछ चाइनीज में आप देख रहे हैं, लेकिन जो नाम है वो इंग्लिश में लिख देते हैं। तो टिकट खरीदने के बाद आपको जो नए, आप जाकर टिकट कलेक्ट कीजिए, टिकट आपको कलेक्ट करना है। इंडिया में ये सिस्टम है कि आपको ऑनलाइन टिकट आप दिखाइए, आप बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि जो सेफ्टी क्या है कि आप एंट्री जो होगी आउटसाइड के लोगों की नहीं हो, इस कारण से आपको टिकट लेकर ही अंडर एंट्री करनी है, और ये हर जगह यहाँ पे सिस्टम है। तो वेटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है, अब वेटिंग ना रेलवे में है ना आप वर्क के तौर पे, सरकार ने वेटिंग का सिस्टम यहाँ खत्म किया हुआ है। वेटिंग का सिस्टम खत्म किया हुआ है, तो भारतीय रेल से किस किस तरह से भिन्न है, इस आखिरी बात पर अब मैं भी सफर का आनंद लूंगा बहुत बातों। वाकई जो चाइना का रेलवे सिस्टम है आज के दौर में वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है। इंडिया को भी अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर बात करूं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो तकरीबन 15 से 20 साल लगेंगे अगर हम पुरानी चीजों को तोड़ के नया बनाते हैं तो।
सबसे बड़ा सवाल जो चाइनीज भी इंडिया जाने के बाद उठाते हैं, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में तकरीबन हजारों की तादाद में चाइनीज इंडिया गए हुए थे, सफाई एक बहुत बड़ा, और जो रेलवे का हमारे यहाँ पुरानी व्यवस्था, अंग्रेजों के जमाने की ही हिलती डुलती कांपती व्यवस्था चली आ रही है, और टीटी जो हमारे रेलवे के अधिकारी हैं, जो उनकी नवाबशाही देखने की पड़ती है कि खासतौर पर आम आदमियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हैं जनरल क्लास में या स्लीपर क्लास में या जो टिकट बेचने की जो वहां पे चीजें हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो अमूमन ये दिक्कतें नहीं आती। अगर टिकट अवेलेबल है तो आपको बिना किसी खींचतान, करप्शन पे चाइनीज सरकार ने रेलवे में कंट्रोल किया है, आप देखते होंगे हर ट्रेन में तकरीबन कैमरा है। तो और तीसरी जो व्यवस्था है कि जो सिस्टम है, सिस्टम कभी हैंग नहीं होता, प्रॉपर सिस्टम है। आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप ऑनलाइन टिकट खरीदें, जाएं, सफर करें। और दूसरी व्यवस्था है, इंडियन ट्रेनों में आप नई दिल्ली में आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म पे भगदड़ मच जाती है, 10 लोग मर जाते हैं कई जगहों पे। अगर हमारे यहाँ त्यौहार वार हो तो वहां पे मतलब ऐसी व्यवस्था होती है कि हम उस भीड़ को कंट्रोल कर ही नहीं पाते। बोलते हैं कि वीर भोगेगा वसुंधरा, प्रजातंत्र में जो वीर है वही वसुंधरा को भोगेगा। बट यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ पे जो गरीब है उसको चीजें मिल जाएंगी आसानी से, वो सफर कर लेगा, उसको ना टीटी ना कोई दिक्कत करेगी। और साथ ही साथ मेन जो है कि कोई भी देखना ये चाहता है कि आप जो आंख से देख रहे हैं वो आपको अच्छा दिखे, बदबू ना आए और आप सफर आनंद से लें। तो इन्होंने बुनियादी चीजों पे खास तौर पर, वाकई जो चाइना का रेलवे सिस्टम है आज के दौर में वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन है। इंडिया को भी अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर बात करूं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो तकरीबन 15 से 20 साल लगेंगे अगर हम पुरानी चीजों को तोड़ के नया बनाते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि परिवर्तन नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कैसा परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन? परिवर्तन वो जो सोसाइटी के भले के लिए हो, परिवर्तन वो जो लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित करे, जो लोगों को 10 कदम आगे ले जाए, 10 कदम पीछे नहीं। आज की तारीख में हमको ये समझने की जरूरत है कि चाइना की रेल किस बेहतर ढंग से काम कर रही है, चाहे साफ सफाई हो, भारत में हालत कितनी बदतर है हम जानते हैं, चाहे ट्रैक के आसपास गंदगी हो, भारत में बदबू आती रहती है हम सब जानते हैं, आप चाहे हाई स्पीड चला लें, चाहे गतिमान चला लें, चाहे बुलेट ट्रेन चला लें, लेकिन समाज को उसके साथ, सरकार की कोशिशों के साथ अपनी सोच भी बदलनी होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चाइना के इस पूरे के पूरे सफर के दौरान में मैंने ये महसूस किया कि देश को बनाने के लिए किसी एक सरकार की इच्छा शक्ति यानी पॉलिटिकल विल की तो जरूरत होती है, लेकिन समाज का उसके साथ चलना बेहद जरूरी है, और ये चीजें बचपन से सिखाई जाए तो ही बेहतर होगा। बचपन से हम सिखाएं तभी हम स्वच्छता की ओर जागरूक हो सकते हैं, बचपन से हम सिखाएं तभी हम सिविक रूल्स की तरफ जागृत हो सकते हैं, और बचपन से हम अगर सिखाएं तभी हम समझ सकते हैं कि अपने देश पर और दुनिया की बाकी चीजों पर हमें गर्व करना चाहिए। तो ये था बुलेट ट्रेन से मेरा होंगजू से शंघाई तक का सफर। जाहिर सी बात है यह सफर बेहद मजेदार था, जानदार था, शानदार था और वजनदार था। मेरी एक हसरत तो पूरी हो गई कि मैं चीन के अंदर बुलेट ट्रेन में चलूं, लेकिन अब मेरी उम्मीद है कि जल्दी ही मेरी हसरत भारत में पूरी हो और भारत में जल्द से जल्द बुलेट ट्रेन चले। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।